Good morning. Yesterday we had started void contract. Yesterday in a void contract I have given the definition of void contract and which is enshrined under section 2J of the Indian Contract Act 1872. What is the definition? And the definition, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void. When it ceases to be enforceable, when it ceases to be enforceable. This is the definition. Void contract. In void contract, thing is absolutely different from the void agreement. शून्य संविदा जो है शून्य करार से पूर्णता भिन्न है. एग्रीमेंट इन वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वॉज लीगल एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ, बट ड्यू टू सम सुपरवेनिंग डिफेक्ट ड्यू टू सम सबसिक्वेंट डिफेक्ट the contract is not in position to enforce in the eye of law. Means shunya samvidha mein kya hota hai, jab karar banta hai woh pravartaniya hota hai, woh vaidh hota hai, lekin baad mein kuch supervening defect ke karan, subsequent defect ke karan aur kanoon mein koi parivartan ke karan संविदा परिवर्तनीय नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा संविदा जो होता है वह शून्य घोषित हो जाता है. अर्थात करार जब बनता है वह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के सारे आवश्यक तत्व उसमें मौजूद रहते हैं. शून्य संविदा की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन बाद में कुछ आकस्मिक घटना या अचानक कानून में परिवर्तन या कोई ऐसा असंभावी घटना घटती है जिसकी वजह से वह संविदा परिवर्तन योग्य नहीं होता है, जिसकी वजह से वह संविदा शून्य हो जाती है, वह परिवर्तनशील नहीं रहती. तो इन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यू विल सी एंड इन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसी भी संविदा किसी भी करार में दो प्रकार के डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं. पहला है प्राइमा फेसी डिफेक्ट. देयर शैल बी ऑफ टू डिफेक्ट्स इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. किसी भी करार क्या किसी भी संविदा में दो प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, डेवलप होते हैं. एक होता है इनिशियल इनिशियल डिफेक्ट और नंबर टू सुपरवेनिंग डिफेक्ट. ये दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं. जो इनिशियल डिफेक्ट है जिसकी चर्चा मैं कर लिया हूं वर्ड एग्रीमेंट के तहत शून्य करार के तहत, धारा 10 के जब आवश्यक तत्व मौजूद नहीं रहेंगे किसी भी करार में वह शून्य करार होगा, या भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में स्पष्ट तौर से एक्सप्रेसली जो विषयों को निषिद्ध किया गया है, जैसे धारा 26 से लेकर 30 तक मैंने आपको बताया था, ऐसे विषय पर अगर कोई संविदा करता है तो वह करार भी शून्य होगा. इस प्रकार के जो कमियां होती हैं शुरुआती दौर में प्राइमा फेसी जो
कमियां होती है किसी भी करार में, उसको हम इनिशियल डिफेक्ट कहते हैं। और सुपरवेनिंग सब्सिक्वेंट इफेक्ट, ए करार तो बन जाता है, करार में वो सारे आवश्यक तत्व मौजूद रहते हैं जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 में मौजूद है। संविधान परिवर्तनशील भी रहती है, लेकिन कुछ सुपरवेनिंग डिफेक्ट के कारण, कुछ आकस्मिक घटना के होने के कारण, कानून में परिवर्तन होने की वजह से वह संविधान अपरिवर्तनशील हो जाती है। तो देयर शैल बी ऑफ टू डिफेक्ट्स इन एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट डिफेक्ट इज इनिशियल डिफेक्ट, मीन्स वेयर द सेक्शन 10 एज वेल एज सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स इज नॉट अवेलेबल एंड द एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट मैटर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। If anyone is going to make a contract due to these two defects, contract shall be treated as void agreement, void contract or void ab initio agreement। And regarding the matter of void contract, in the void contract ki hum charcha kar rahe hain, void contract mein supervening aur subsequent defect ke karan ya kanun mein parivartan ke karan woh parivartanshil nahi rehta hai। अब ध्यान से सुनिए, पूरे विषयों को समझने के लिए इस बात की भी जानकारी जरूरी है कि कैसे किस स्थिति में कोई भी संविधान शून्य घोषित होता है। जैसे ए और बी के बीच एक संविधान होती है, एक संविधान होती है। संविधान क्या होती है? ए और बी दोनों मिलकर एक प्राइवेट बस खरीदते हैं, प्राइवेट बस और दोनों का पैसा आधा आधा उसमें लगता है, बस को खरीदने में उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वह धारा 10 के सारे आवश्यक मौजूद रहते हैं और इनिशियल डिफेक्ट के तहत एक्सप्रेसिव डिक्लेयर्ड इश्यूज के तहत भी वह विषय नहीं रहते हैं जिस पर ए और बी की संविदा होती है। तो दोनों के बीच संविदा हो जाती है और संविदा का विषय वस्तु क्या होता है कि 1 नवंबर 2020 से वह अपनी गाड़ी, अपने बस को रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक स्पेसिफिक रूट पर वो गाड़ी चलाएंगे 1 नवंबर 2020 से। 1 नवंबर 2020 से स्पेसिफिक रूट पर गाड़ी चलाएंगे, ऐसा संविदा होता है। संविदा विधि सम्मत है और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सारे मूलभूत जो नियम है उस नियम को पूरा करते हुए संविदा होता है। अब आप देखिएगा यहां पर कैसे यह संविदा शून्य होती है। जैसे यहां पर है 1 नवंबर 2020 से वह गाड़ी, नई गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदा हुआ है, वह चलेगी। पता चलता है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी बसेस चलती हैं वह कैसे चलेंगी, उसका भाड़ा क्या होगा, किस रूट पे चलेंगी, सारा नियम कानून, कर्मचारियों संबंधित नियम कानून जितना है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो UPSRTC यह तय करती है कि, और यह कानून बनाती है 28 अक्टूबर 2020 को कि कानून नया आता है कि जो रूट, जिस रूट पर वह दोनों पक्ष, दोनों संविदा के पक्षकार जिस रूट पर गाड़ी चलाना चाहते थे, एक नियम आ जाता है, अचानक वह नियम आता है 28 अक्टूबर को कि उस रूट पर कोई भी प्राइवेट बस नहीं चलेगी, कोई भी प्राइवेट बस
प्राइवेट बस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस तरह के एक नियम आता है। यह नियम क्या करता है कि इन दोनों लोगों के बीच जो संविदा हुआ है, जिस विषय वस्तु पर संविदा हुआ है, वह विषय वस्तु को पूर्णता प्रभावित करता है, प्रभावित ही नहीं, उसका क्रियान्वयन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है उस नए कानून के आ जाने के पश्चात। तो यहां हम कहेंगे यह संविदा जो है वह शून्य संविदा होगी, पार्टियों की कोई गलती नहीं, पक्षकारों के बीच कोई गलती नहीं हुई है, एक दोनों लोगों की कोई गलती नहीं है। संविदा का विषय वस्तु भी बहुत अच्छा है, धारा 10 के सारे आवश्यक मौजूद हैं और संविदा के सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए संविदा बना। 1 नवंबर 2020 से इस रूट पर बस चलने वाली थी, प्राइवेट बस जो दोनों लोग मिलकर खरीदे थे, लेकिन उसके पहले ही 28 अक्टूबर 2020 को एक नया कानून आ गया। उस नए कानून के आने की वजह से इन दोनों लोगों की संविदा का क्रियान्वयन असंभव है। ऐसी स्थिति में हमें कहेंगे यह संविदा शून्य घोषित होती है। बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब मेरा विषय है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा। देखिए सबसे आपको क्या लग रहा है, शून्यकरणीय संविदा, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा, शून्यकरणीय संविदा। अब आप नाम से भी जान सकते हैं, शून्यकरणीय, शून्य कराने योग्य, शून्य करने योग्य, यह एक ऐसी संविदा होती है जिसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है यदि पीड़ित पक्षकार चाहे। बस इसको समझने को शून्य करने योग्य, कौन शून्य घोषित करवाएगा, जो पीड़ित पक्षकार रहेगा। इस बात को आप बाद में और अच्छी तरह क्लियर करेंगे। इसका डेफिनेशन टू आई ने दिया गया है। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, शून्यकरणीय संविदा समझ में आ गया हो, शून्य कराने योग करने योग क्या डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, there to, but not at the option of others. इसलिए क्या है एन एग्रीमेंट, बेयर एक्ट देख लीजिएगा इसको, यू कैन ऑल्सो सी द बेयर एक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वर्टेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज बताया आपको, इसका डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. Voidable, शून्यकरणीय संविदा, शून्यकरणीय संविदा मैंने आपको बताया, शून्य करने योग्य means there is an option to declare the contract void and who shall have a right, who shall have an opportunity, who shall have a scope to
टू डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, किसको यह मौका मिलेगा, किसको यह सुजोग मिलेगा, सुजोग बंगला वर्ड है, सुजोग मीन्स किसको यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि संविदा को शून्य घोषित करवाए। आगे के लेक्चर में शुरुआत में बता दूं ऐसे एग्रीमेंट्स कौन से, किस प्रकार के एग्रीमेंट वायरल होंगे। एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ब्रॉट अबाउट बाय व्हिच 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 ब्रॉट बी आर यूज ब्रॉट ब्रॉट अबाउट बाय अबाउट by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. Means ऐसे संविधाएं जो अस्तित्व में आती हैं किसके किसके सहयोग से, बलपूर्वक असमय के सर द्वारा, कपटपूर्वक और दुर्व्यपदेशन द्वारा। अगर संविदा कोई भी संविदा बनता है बलपूर्वक बनता है, अंडू इन्फ्लुएंस द्वारा बनता है, या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा बनता है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स सम्मति जो हो वो स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि सम्मति बलपूर्वक लिया गया है, यदि सम्मति असमय के सर द्वारा लिया गया है, यदि सम्मति कपट द्वारा लिया गया है, यदि सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा लिया गया है, तो यहाँ हम कहेंगे कि सम्मति स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र सम्मति न होने की वजह से वह संविदा शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। मीन्स इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज ए वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी भी संविदा में सम्मति स्वतंत्र नहीं है, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ परंपरा के अनुसार नहीं ली गई है, तो हम कहेंगे वह संविदा शून्यकरणीय संविदा है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर सम्मति स्वतंत्र नहीं है वह संविदा शून्यकरणीय है, भूल मत करिएगा, शून्यकरणीय संविदा है। एंड इन अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी इज इंजर्ड, वन पार्टी इज विक्टिम फ्रॉम हूम द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फोर्सफुली और क्वेरसली, अनड्यू इन्फ्लुएंसली, फ्रॉडली एंड मिसरिप्रेजेंटेटिवली। जिससे संविदा बलपूर्वक, कपटपूर्वक, दुर्व्यपदेशन द्वारा लिया गया है, ऐसी संविदा को शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी। और इंजर्ड पार्टी जो है, इंजर्ड पार्टी के पास फुल पावर रहेगा, उसके पास अधिकारी रहेगा कि वह संविदा को कोर्ट में जाकर अपनी बात कहकर शून्य घोषित करवा सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि संविदा को शून्य घोषित समय अवधि में नहीं करवाता है, तो वही शून्यकरणीय संविदा वैध संविदा में तब्दील हो जाएगी। और एक बार वैध संविदा हो जाने के बाद उसको पुनः किसी भी स्थिति में पीड़ित पक्षकार शून्य घोषित या शून्य घोषित नहीं करवा सकता है। WH Holland ने बहुत अच्छी बात कही है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वन पार्टी इज इंजर्ड एंड द इंजर्ड पार्टी द विक्टिम पार्टी शैल हैव राइट टू डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड द अदर पार्टी शैल हैव नो एनी ऑप्शन टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मीन्स अगर कोई पक्षकार स्वतंत्र सम्मति के बगैर संविदा करता है तो वह शून्यकरणीय माना जाएगा, और पीड़ित पक्षकार के ही हाथ में यह ताकत रहेगी कि वह संविदा को शून्य घोषित करवा दे। मेरा एक दृष्टांत ध्यान से सुनिए, अगर ए बलपूर्वक बी से कहता है कि अमुक कार को बेच दो, अगर वहाँ पर बलपूर्वक सम्मति ली गई है, तो वहाँ पर बी पर यदि बलपूर्वक सम्मति ली गई है, तो इस दृष्टांत के तहत बी के पास ही यह
अधिकार रहेगा कि वह कोर्ट में जाकर इस संविदा को शून्य घोषित करवा दे, और यदि वह समयावधि के तहत शून्य घोषित नहीं करवाता है तो वही संविदा वैध में तब वैध संविदा के रूप में मानी जाएगी, और एक बार कोई भी संविदा वैध हो जाती है तो शून्य घोषित नहीं हो सकती है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सुनकर ये संविदा समझ गए होंगे, एंड आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द वर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thank you very much. Have a nice day. God bless you.